स्मृति ईरानी से पीएम मोदी तक, कुंभ में नेताओं के स्नान की तस्वीरें। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कुंभ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर पीएम ने पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर आइए देखते हैं कुंभ 2019 में अब तक और किन खास नेताओं ने डुबकी लगाई है। बता दें कि पीएम ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद त्रिवेणी संगम में दुग्धाभिषेक भी किया। मोदी ने सफाई कर्मचारियों व स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर भी धोए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रयागराज में कुंभ 2019 के पहले दिन ही हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने भी संगम तट पर स्नान किया। स्मृति ने स्नान के दौरान खींची गई फोटो ट्विटर पर भी पोस्ट की थी। आपको बता दें कि कुंभ मेला 4 मार्च तक चलेगा। करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ 2019 में भाग ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में पहुंचकर संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। योगी के साथ तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी गंगा में स्नान किया। इस दौरान तमाम संत महात्मा भी मौजूद रहे। सीएम योगी व अन्य मंत्रियों ने गंगा स्नान के बाद पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया था। डुबकी लगाने से पहले योगी सरकार ने प्रयागराज में ही एक खास कैबिनेट बैठक भी की थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि कुंभ 2019 में 4 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी स्नान का कार्यक्रम होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कुंभ पहुंचे थे। उन्होंने तब ट्वीट किया था, प्रयागराज तीर्थ में कुंभ में आज संगम में स्नान के पश्चात पूजा की। देश की आस्था संस्कृति की प्रतीक पवित्र गंगा और यमुना को निर्मल और अविरल करने का कार्य पूरा हो, इसकी प्रार्थना की। गडकरी ने कहा था, स्नान के बाद और पानी की गुणवत्ता देखकर जो आनंद मिला उससे मन बहुत प्रसन्न हुआ। पानी के COD/BOD स्तर में काफी सुधार हुआ है। आज मैंने जो जायजा लिया तो हमारे 30% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अगले साल मार्च तक हम 100% प्रोजेक्ट पूरे करेंगे।